हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 11.9.4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। इस चैनल में मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इन वीडियोज़ का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पैराग्राफ में क्या गिवन है, देखो जब लाइट क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर करी है। डेंसर मतलब समझते हो, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ये दूसरे मीडियम से कम है। जैसे कि हम वाटर की बात किए, वाटर लिया है और एयर लिया है, किस किस कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी? आंसर है एयर में ज़्यादा होगी स्पीड, तो उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोला है। स्पीड कम कहाँ होगी? वाटर में एज कम्पेयर टू एयर, तो उसको डेंसर मीडियम बोला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सपोज़ ग्लास ले लेता सपोज एयर की जगह, तो क्या ये वाटर डेंसर मीडियम होता? ना, तब नहीं होता, तब ये ऑप्टिकली रेयर हो जाता इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है रेयर है, दूसरे के कंपैरिजन में है वो। ठीक है, दूसरा मीडियम क्या है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। जब यहाँ ट्रैवल कर रही है लाइट, देख सकते हो आप, स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब जीरो होगा। ठीक है, किसके बीच में एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल जो बनता है इमेजिनरी लाइन है उसके बीच में, जब जीरो होगा तब आर भी जीरो होगा। ठीक है, और जब अनडेविटेड चले जाएगी। ठीक है, ये पहला केस है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है, जीरो नहीं बना रही है, ठीक है, कुछ एंगल बना रही है, जैसे 30 डिग्री है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख रहे हो ए ओ सी के बीच में ना, या ए ओ एन जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, सपोज जो भी एंगल है, ओके आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस एंगल के लिए क्या हुआ, आप देख सकते हो कि कुछ पार्ट रे का रिफ्रैक्ट हो गया, मतलब बेंड हो गया, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया, लेकिन बेंडिंग होके साथ, है ना, क्योंकि बेंडिंग क्यों होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था इसको, रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन को समझा था। ठीक है, तो ट्रांसमिट हो गया दूसरे मीडियम में, लेकिन कुछ पार्ट आप देख रहे हो पार्शली रिफ्लेक्टेड लिखा है ना, कुछ पार्ट क्या हो गया लाइट का, रिफ्लेक्ट भी हो गया। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अब अगर देखोगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ट्रांसमिट करती है, तो इंटेंसिटी कुछ कम होती है। एग्जैक्टली इंटेंसिटी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है, और यानी कि, और क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है उसका। ओके, और इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब अगर डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखो आप, फिर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है। ये मैं पूरा एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप रीडिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो एक नई अप्रोच भी ली है मैंने इसमें। ठीक है, अभी तक जो मैं वीडियोस बनाता था उसमें मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करके एक्सप्लेन करता था, इस बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता दूंगा कि कहाँ पर है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा बेटर लगा आपको, इस तरह से एक्सप्लेन करके मैं एनसीईआरटी में बता दूँ कहाँ लाइन है, या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ूँ उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो आप, जब रे क्या हुआ, हमने धीरे धीरे क्या किया, इस रे के लिए तो क्या हुआ, एंगल इंसिडेंस आप देख रहे हो कुछ है, जितना भी वैल्यू है इसकी, फिर आई डैश है, लेकिन आपको ये साफ दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई डैश आई से तो बड़ा है। सपोज ये 40 है तो ये 40 है, बड़ा है वो एंगल। और इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, पहली बात हमको ये पता है कि जो R है ना, ये R I से क्या था, ये बड़ा है, साफ दिख रहा है R, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हो तो R I से बड़ा होता है। ओके, और ये I, जब I बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ठीक है, तो R और बढ़ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू और बढ़ रही है, I और बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में, देखो R तो क्या हो गया, अब इतना बढ़ गया 90 हो गया, R की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई, तो उसको मैं बोलूँगा ग्रेज कर रहा है, ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं बेसिकली इसे। गेजिंग एंगल कब है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट एंटर कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसे ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं, ग्रेज कर रहा है, अलॉन्ग द सरफेस जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये, और इसके बाद अगर क्या करूँ, इसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देता हूँ, मतलब, और इसी को, इससे पहले इस पर्टिकुलर एंगल को, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए या ग्रेजिंग एंगल हमें ऑब्टेन हो जाए, उसको मैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल एंगल बोलता हूँ। ठीक है, उसको क्रिटिकल एंगल आईसी से डिनोट करते हैं। ठीक, क्रिटिकल एंगल समझ में आओ, और अगर क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल हो जाए, तो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी क्रिटिकल एंगल की,
ठीक है, अब उस एंगल से भी बड़ा हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा? तो उस केस में रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। उस केस में क्या होगा, आर की वैल्यू और बढ़ गई ना, 90 से भी बढ़ गई, तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन ही होगा, उस मीडियम में वापस आ गई लाइट, तो और कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इसमें पहले रिफ्रैक्शन भी होता, रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, लेकिन अब पूरा टोटली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसी को क्या बोलता हूँ मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो एनसीईआरटी में पहले ग्राफ में किसके बारे में, इसके इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मेंशन है, आप पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद इसी जो चीज़ मैंने समझा इसको बताया, ग्रेजिंग एंगल के बारे में बताया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पाई बाई टू होता है, ओके। इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बारे में यहाँ बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बता रखा है इस पॉइंट में, ओके। और इसके बाद देखो और क्या बोला है फिर, ठीक है, इन टोटल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, हमें टोटली मिल जाएगा, उसमें पूरी इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको कोई लेस इंटेंस नहीं रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में। क्रिटिकल एंगल मैंने बताया आपको क्या होता है, जिस एंगल पर ग्रेजिंग एंगल मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेट बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, देखो जो एयर है, एयर का ऐसा बोलूँगा ना मैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ एंटर कर रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। किसके लिए बात करता हूँ मैं, क्रिटिकल एंगल के लिए, जब आई कितना है, सी, आई सी हो जाएगा, और आर कितना है, 90 है, तो देखो उसको लिख सकता हूँ म्यू, जो यहाँ लिखा हुई है ना, इसको यहाँ लिखा है, तो इसको लिखूँ क्यों, साइन आई सी किसके इक्वल है, म्यू टू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन। इसमें टू क्या है, टू ध्यान रखना, यहाँ क्या है, वाट एयर है, ठीक है, ये एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में इतना है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस पॉइंट को समझना, ठीक है, अब इस पैराग्राफ को अच्छे समझते हैं। देखो, वी सी फ्रॉम स्नेल्स लॉ डेट इफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन वन, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन आई इज यूनिटी, देयर इज अपर लिमिट to the value of sin i for which the law can be satisfied। एक अपर लिमिट है जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू एक अपर लिमिट है जिसके लिए लॉ सेटिस्फाई होगा। अगर ic इससे बढ़ जाता है, ठीक है, sin ic की वैल्यू इससे बढ़ जाती है, तब वो स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, तब क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, तब ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। और इस केस में, ठीक है, और उस केस में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ओके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम विल बी इतना, ठीक है, और दूसरे का निकालो अगर मैं, कितना आ जाएगा, देखो तो मैं बोल रहा हूँ ना, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं यहाँ, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो साइन आई सी है, ओके, क्योंकि साइन आर क्या हो रहा है, 90, ओके, अगर मुझे लेकिन वाटर का चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कितना हो जाएगा, वन अपॉन साइन आई सी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज वन अपॉन साइन आई सी, ठीक है, साइन आई सी की वैल्यू से ऊपर, आई सी की वैल्यू से ऊपर स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आएगी क्या वीडियो का मीनिंग है, क्लास 10 में भी वैसे आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो, ओके। और देखो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं अलग अलग मीडियम के, वाटर का है 1.3 थी, ग्राउंड ग्लास का 1.52, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.62, डायमंड का 2.42, और उनका क्रिटिकल एंगल भी गिवन है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 48.75, इससे ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 41.14 ग्राउंड ग्लास और एयर के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, आई होप ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आगे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।